हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। भारत की यूथ ब्रिगेड ने जिम्बाब्वे में पहला T20 गंवाने के बाद जबरदस्त पलटवार किया है। शुभमन गिल की कैप्टेंसी में खेल रही टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मैच में 234 रनों का स्कोर खड़ा किया। हरारे में ये किसी भी टीम द्वारा बनाया गया T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर था। भारत को बड़ा स्कोर खड़ा करने में बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा ने जो है बहुत मदद की, अहम रोल अदा किया। डेब्यू मैच में चार गेंद खेलने के बावजूद जीरो पर आउट होने वाले अभिषेक ने दूसरे मैच में शतक जड़ दिया। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अभिषेक ने इस दौरान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। इस साल T20 क्रिकेट में अभिषेक ने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जमकर उनका बल्ला जो है वो छक्के और रन उबल रहा है। 23 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 46 गेंदों पर शतक जड़ा। उन्होंने इस दौरान 8 छक्के और 7 चौके लगाए। अभिषेक ने 2024 में सबसे अधिक छक्के जड़ने के मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। अभिषेक इस साल T20 में अभी तक 50 छक्के लगा चुके हैं। टोटल 150 छक्के T20 करियर में उनके नाम हो चुके हैं। वहीं हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में इस साल यानी 2024 में 46 छक्के जड़े। अभिषेक ने 18 मैचेस में छक्कों का अर्धशतक पूरा किया। वहीं रोहित ने 25 मैचेस में 46 छक्के जड़े। विराट कोहली 25 मैचों में 45, शिवम दुबे 25 मैचों में 41, रियान पराग 18 मैचों में 33, जबकि ऋषभ पंत 21 मैचों में 31 छक्के जड़ चुके हैं। अभिषेक ने बस यही नहीं, एक ऐसा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया जो ढूंढे नहीं मिलता। संभवतः वो दुनिया के एक ऐसे पहले बैटर हैं जिन्होंने खाता भी छक्के के साथ खोला, 50 भी छक्के के साथ पूरी की और शतक का आंकड़ा भी छक्का लगाकर ही छुआ। 150 छक्के T20 क्रिकेट में अभिषेक ने छोटी सी उम्र में पूरे कर लिए। अभिषेक को लेकर अब टीम मैनेजमेंट पर दबाव बन गया है कि यशस्वी के आने के बावजूद वो किस तरह से एक शतक बनाने वाले यंग बल्लेबाज को बेंच पर बिठा सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।